मैं जोर जोर से उहाह की आवाज है आती है रूह से। मैं तो चलूं इस कदर मच जाए ये कदर, मैं तो चलूं इस कदर मच जाए रे कदर, होश वाले भी मद होश आए रे नजर। इनके फोटो इनके फोटो सीने से यार, इनके फोटो को सीने से यार चिपकाले सैया फेरा। आपने बताया प्रसंग में भगवान विष्णु का जी के पैर छूने के लिए वो कछुआ प्रयास कर रहा है, लेकिन आगे से जाता है तो माता लक्ष्मी पंखा झल रही है, और अगर पीछे से जा रहा है तो शेषनाग फुंकार मारता है, बड़ा परेशान। वैसा प्रसंग आपने दिया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने। आपने बताया कि बोले भगवान, बोले भगवान तू पगले आज, बोले भगवान तू पगले आज, तू धोले आज मेरे पगले। बहुत बढ़िया, लेकिन देखिए जब जवाब इसी के बगल से निकले तो जवाबी होती, क्योंकि घर का बना हुआ मसाला बढ़िया से आता है, मंच पे बनाना पड़ता है। प्रयास देखिएगा आपका। अब जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी को केवट इस पार से उस पार कर दिया, तो माता सीता ने मुद्रिका उतारने के लिए वो अंगूठी दी, राम ने इशारा किया माता जानकी को, तो देखिए वहीं से प्रसंग दे रहा हूं आपको, सुनिए आप। के उतराई प्रभु मेरी जो उतराई में देना, उतराई प्रभु मेरी उतराई में देना, उस लोग में उतराई प्रभु मेरी जो उतराई में देना, मैंने किया है पार प्रभु तराई में देना। मैंने तुमको नदी से पार किया है और आप भाव से मुझको पार कर देना, ये मैं प्रयास कर रहा हूं कहने का। उतराई प्रभु मेरी जो उतराई में देना, मैंने किया है पार प्रभु पार कराई में देना। तो जब मुद्रिका दिया उतार के तो केवट कह क्या रहा है, सुने आप। नहीं चाहूं उतराई, नहीं चाहूं उतराई, राह देखूं उतराई, पार भाव से, पार भाव से किया रघुबर मैंने इस तरह। जैसे कीना है, जैसे कीना है मैंने तुम्हें पार, जैसे कीना है मैंने तुमको पार, वैसे ही भाव से पार हो। जैसे कीना है मैंने तुम्हें पार, वैसे ही मुझे का यथाशक्ति प्रयास रहा। आइए चलते हैं आपके फुल गीत की तरफ। गीत आया अरे के जितना ये संसार जमाना,
जितना ये संसार समाना उतना अपना प्रेम पुराना। ये सारी दुनिया ने जाना जन्म जन्म से हम दोनों जन्म जन्म चेतना जी आपके द्वारा गीत जो मिला है कर्ण भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि कैसी मिली तकदीर ये कैसा कैसी मिली तकदीर। और बताया आपने करनाली नदी के तट पर अंकुश मात्र की जगह पर कर्ण का दफन किया है भगवान कृष्ण ने। प्रयास आपके बगल से लेके निकल रहा हूं। जब कर्ण का प्राणांत हुआ देहावसान हुआ ब्रह्म में लीन हुए तो आपकी तरफ से भी खमसा आया था। खमसा दो पंक्तियों में सुनी अरे के सुन करके मौत लाल की ऐसे निकल हुई सुन करके मौत लाल की ऐसे निकल हुई टुकड़े देख कर ऐसी मचल हुई आंसू का नयन से वहां सैला चल पड़ा टुकड़ा कलेजे का मुझे वो छोड़ चल पड़ा लख करके भाइयों की लख करके भाइयों की मटी चकरा गई ना से कहानी भाई की वो टकरा गई। युधिष्ठिर सामने आ गए और जब युधिष्ठिर सामने आ गए तो युधिष्ठिर कुंती से कहने लगे माता आज दिन तक तुमने ये नहीं बतलाया कि मेरा एक भाई कर्ण भी है और आज नेत्र सजल लेकर के मेरे पास आई है। तो युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया था कुंती को कि जाओ आज के बाद तुम्हारी जैसी समस्त नारियों को कोई बात हजम नहीं होगी। चार औरतें बैठ जाएंगी तो समस्त बातों को उसी जगह उबल देंगी। ये युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। अब देखिए आप राजू भैया के निर्ममता ममता में रखी कर कहने लगी युधिष्ठिर से कि भैया युधिष्ठिर कुंती से कहने लगी मैया निर्ममता ममता में रख कर लखती रही तस्वीर ये माता कैसी मेरी तकदीर।
अब जो कि सवाल तो बांध के घर से चले हो, जब आप मंच पे लिखना पड़ता है थोड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात को। उधर कर्ण कृष्ण और इधर कुंती और युधिष्ठिर, बात महाभारत से। निर्ममता ममता में रखता लखती रही तस्वीर, ये माता कैसी मेरी तकदीर, ये माता कैसी मेरी तकदीर। जब धर्मराज को ये बात मालूम हुई कि कर्ण का प्राणांत हो गया, तो कुंती रोती हुई युधिष्ठिर के पास आती है, कहा भैया मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या? आज तक भाई का रिश्ता नहीं बतलाया। तो युधिष्ठिर क्या कहने लगे अपनी माता कुंती से, कि धर्म राज जब राज है जाने जाना, धर्म राज जब राज है जाने परम अभागा खुद को माने, मन में है वो ऐसे ठाने साफ दे माता। युधिष्ठिर कहने लगे कुंती से, माता तू तो बनी कुमाता तोड़ा है भ्राता से यूनाता, माँ को है कैसे ये भाता, पत्थर कहते हैं पत्थर का दिल, पत्थर पर गई पत्थर रखी कर बदल दिया तस्वीर, ये माता कैसी मेरी तस्वीर, ये माता जयकारा मेरे साथ में लगाएंगे आप सभी। शंकर भगवान की शिवरात्रि का चतुर्थ पहर होने वाला है,
जिस प्रकार से उस शिकारी ने चतुर्थ पहर में मोक्ष की प्राप्ति की थी, बस थोड़ा समय बचा है। जागरण के माध्यम से आप लोग बैठे हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है भगवान भोलेनाथ कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। आइए गीत एक बजा। तुझे बेशरम बेशरम तुझे बेशरम बे मुरव्वत कहूं तो ये मेरे मोहब्बत की लौहिन हो ना महफिल में होगी ना मेले में होगी ना महफिल में होगी अकेले में हो तुझे बेशरम तुझे बेशरम से मुरव्वत कहो ये मेरे मोहब्बत की वालों ने कहा है। एक बार शनि देव के पिता सूर्य देव ने किसी गलत यानी किसी नारी के साथ रथ क्रिया कर बैठे, और जब रथ क्रिया कर बैठे तो सूर्य के पुत्र शनि को क्रोध आया क्योंकि वो सेनापति। जब पता लगा शनि देव को कि मेरे पिता ने ऐसा दुर्दांत कार्य किया है, तो उन्होंने अपने पिता सूर्य देव के पास गए और कहने लगे, पिताश्री सुनिए मेरी बात, सुनिए, अगर न्याय दाता अगर न्याय दाता नहीं न्याय देता तो उस न्याय दाता की तौहीन होगी। आज भी ये प्रसंग मिलता है, कहीं बेटा जाओ तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साथी लगी हुई, कोई ये नहीं कहता बृहस्पति की साढ़े साथी सूर्य ना शनि, इसलिए शनि अपने पुत्र पिता सूर्य से कह रहे हैं क्या, अगर न्याय दाता नहीं न्याय देता तो उस न्याय दाता की तौहीन होगी, अगर जन्म दाता को जन्मदाता को न तोलू तुलाम पर। शनिदेव सोच रहे हैं कि मेरे पिता मेरे जन्मदाता लेकिन गलत कार्य किया है, तो मैं मनुष्यों को नहीं हमारे हम अपने पिताजी को नहीं छोड़ेंगे तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। अगर जन्मदाता को न तोलू तुलाम पर तो विधि के नियम की तौहीन होगी। राजनीति में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कौन है,
पिताजी एमएलए हैं तो लड़का विधायक का टिकट मिल जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। पुत्र रक्षा मंत्री तो प्रधानमंत्री को फांसी पे लटकाने का प्राविधान तैयार है। इसलिए कह रहा हूं, अगर जन्मदाता को न तोलू तुला पर तो विधि के नियम की तौहीन हो, अगर न्याय दाता दाता अगर न्याय दाता नहीं न्याय दे जी मुजरिम और ललन उनका पुत्र शनि न्यायदाता, तो सवाल क्या खड़ा हुआ? मुजरिम पिता और ललन न्यायदाता, मगर न्याय से कोई रिश्ता न नाता, अगर बाप ही अन्यायी बना तो न्यायी ललन की तारा, बृहस्पति की पत्नी तारा से छल कर बैठे चंद्रमा, यानी चंद्रमा शिष्य और शिष्य गुरु माता से छल कर बैठे। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है कि गुरु ज्ञान का है वो, वो अज्ञान रूपी तिमिर है मिटाता, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जब गुरु प्रकाश देता है अंधकार से प्रकाश की ओर, लेकिन यहां पर गुरु ज्ञान का है वो अमृत पिलाता, वो अज्ञान रूपी तिमिर है मिटाता, अमृत में कोई अमृत में कोई आकर विष मिला दे। चौदह रत्न निकले हलाहल और अमृत का कलश भी निकला भाई, उसमें से कलश अमृत का निकला और उस अमृत में हलाहल मिला दिया जाए तो क्या होगा? अमृत में कोई आकर विष मिला दे सागर के मन पर प्रसन्न होकर हमारे बड़े भैया पीयूष यादव एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, आपके माध्यम से पुनः 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना करता हूं। सुनिए आप, रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया, अब बंदी बनाया ठीक है, ऐसे तो बंदी बना ले,
लेकिन शनिदेव को उल्टा कुआं में लटका दिया। और जब कुआं में उल्टा लटका दिया तो एक दिन अंगद पहुंच गए रावण से, कहने लगे लंकेश फर्जी क्या तुम बक बक करते हो, सीता को वापस कर दो। तो रावण ने कहा है बंदर कि मेरे दरबार में झाड़ू पवन लगाता है और इंद्र दिन में दो बार हाजिरी लगाता है, कुबेर आके मेरी रोटियां बनाता है और मेघ आकर के मुझे पानी वो पिलाता है। रावण ने जब शनि को बंदी बना लिया तो होता क्या है कि ग्रहों में ग्रहणी पर हमें बसाया खुद पैर में खुद वो कुल्हाड़ी चलाया। अगर रावण शनि को बंदी न बनाता तो हालांकि ये सिद्ध तो नहीं हुई लेकिन फिर भी वो लंका जलती ना, सोने की लंका हनुमान जी माध्यम बने लेकिन रावण की कुदृष्टि उस लंका पे, शनि की कुदृष्टि उस लंका लंका पे पड़ गई थी तो लंका सोने से राख हो गई थी। ग्रहों में ग्रहणी बन ग्रह में बसाया तो खुद पैर में अपने कुल्हाड़ी अधूरी थी। राम ने पूछा लंकेश लास्ट समय है मांग लो क्या दे दूं। रावण कहने लगा प्रभु राम मेरी दो इच्छाएं अधूरी थी, क्या एक स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना था और एक इस सागर के खारेपन को मीठा करना था। अगर स्वर्ग में है अगर स्वर्ग में असुर की सीढ़ी लगी तो विधि के सृजन छोटा सा कटपीस गीत बजा या भरन को मैं तो बड़े भैया सूर सिंह जी आप दिल्ली से, ये बहुत बड़ा अनमोल आशीर्वाद हमारे लिए आपने प्रदान किया है, आप सभी का महान आशीर्वाद रहा है इस टेंट को पेटेंट बनाने में। आदरणीय दादा
शूर सिंह जी आप दिल्ली से पधारे हुए हैं, आपके कर कमलों के माध्यम से 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, एक बार तालियां जरूर बज जाए दादाजी के लिए। और ये परम आदरणीय हमारे भैया उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय बड़े भैया राजू यादव जी, आपके कर कमलों के माध्यम से 251 मुद्राएं प्रदान हुई हैं, और हमारे लोगों का हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि आज कीर्तन उत्थान समिति बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदमी भैया जी को। गीत बजा। पनिया भरन को मैं तो डर डर जाऊं, पनिया भरन को मैं तो डर डर जाऊं, लाज के मारे मैं तो मर मर जाऊं, ऐसा ना हो होना है जनकपुर में, तो गुरु विश्वामित्र माता जानकी से कहते हैं सीते के श्री हरि बन के श्री हरि बन के जब हरी आए, हरी आए तो मन हरी आए, श्री हरि बन के जब हरी आए, जब हरी आए तो मन हरी आए, हर स्वर के हर स्वर के ही जो है ईश्वर, ईश्वर से है सबका ईश्वर, ईश्वर से पंचम स्वर ईश्वर, बेटी सजेगा बेटी सजा है ये तेरा स्वयं पर, सीता जी को विश्वामित्र जी कह रहे हैं बेटी सजा है ये तेरा स्वयं पर, स्वयं पर में आए हैं जो भाल पे बिंदिया भाल बिलाली, भाल बिलाली होठों पे लाली, हाथों में लाली है पर महावर की लाली।
मैया सीता मैया को लाल जोड़े से हाय और लाल जोड़े से जोड़ी ये जोड़ी निराली लाल जोड़े से जोड़ी ये जोड़ी निराली अरे भर मांग सीता ये मांग लाली ना है दिल में मलाल ना है दिल में मलाल बस मन है मलाली और उसके बाद राजू भैया उसके बाद क्या उस महावर से सोहे उस महावर राम उस महावर से सोहे इस महावर की लाली उस महावर से सोहे इस महावर की लाली उस महावर से सोहे इस महावर की लाली बस वर मांग सीता भर मांग लाए भगवान की अब आ रही हैं आदरणीय चेतना जी और जैसा कमेटी का आश्वासन मिलेगा कार्यक्रम को अपने हिसाब से देख लेंगे जैसा आदेश मिलेगा।